बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति कम है वहां जल्द से जल्द बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। ये तस्वीर कटिहार के मनिहारी इलाके की है, जहां समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीनी हकीकत जानने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ पहुंचे। कुछ जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए तो कुछ जगहों पर जो आंगनबाड़ी केंद्र खुले तो मिले, लेकिन बच्चे नदारद थे। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हर केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। नहीं नहीं, ये मानक के अनुरूप है और इसमें मानक की कोई ये नहीं है। शनिवार या रविवार जहाँ जिस दिन बंद रहता है आंगनबाड़ी केंद्र, उस दिन की बात अलग है, और जब खुला हुआ है तो सोमवार हो या मंगलवार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर हाल में बच्चे का उपस्थिति होना चाहिए और उनको पोषाहार मिलना चाहिए। जो ड्रेस हम लोग देते हैं वो ड्रेस पहन के भी नहीं आता है। अन्य तरह का जो सुविधा देते हैं, एक तो बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, हम लोग किराया का भी भुगतान करते हैं, और जब 40 बच्चा बैठ ही नहीं सकता है तो इसे केंद्र को चलने से कोई लाभ नहीं है। तो इस तब पर हम लोग निर्णय लेंगे कि कैसे इसमें सुधार भी हो सकता है, और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि जिले के 3 प्रखंडों का उन्होंने खुद जांच की और 3 प्रखंडों पर विभाग के सचिव के साथ टीम ने जांच किया, लेकिन कहीं भी संतोषजनक नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि ये जांच पूरे बिहार में होगी, मुख्यालय स्तर से और जिला स्तर से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, इस पर क्या कहना है सर आपका? अभी हम लोग कटिहार जिला में कई आंगनबाड़ी केंद्र का जाँच किए हैं। 3 ब्लॉक में हम खुद गए हुए थे और 3 ब्लॉक में ICDS के निदेशक भी गए हुए थे और विभाग के अन्य पदाधिकारी भी हम लोग के साथ में थे। तो उसमें कुछ केंद्र तो बंद ही पाया गया और जो खुला हुआ भी था वहाँ बच्चे का उपस्थिति नहीं के बराबर था। उसके अलावा पोषाहार से संबंधित या ड्रेस या अन्य कई तरह का जो सुविधा है वो सब कहीं सही सलामत नहीं नज़र आ रहा था। तो अभी जांच तो हम लोग विभाग में, हम लोगों ने कहा है कि पूरे बिहार में सभी जगह जाना है और विभाग मुख्यालय स्तर से सभी जगह जांच भी हो रहा है, जिला स्तर से भी जांच होता है, लेकिन जो संतोषजनक हम लोग को मिलना चाहिए रिजल्ट वो नहीं मिल पा रहा है। इसको और हम लोग तेज करेंगे और हम लोग सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका को ही नहीं इसके लिए दंडित करेंगे, बल्कि जो विभाग के अन्य पदाधिकारी हैं इनसे जुड़े हुए उन पर भी कार्रवाई होगी। और आज हम लोग कटिहार जिला में आए हैं, अभी DPO कार्यालय का भी हमारे विभाग के डायरेक्टर उसका निरीक्षण करेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी, ज्वाइंट डायरेक्टर भी साथ में हम लोग के आए हुए हैं। तो लोग सभी लोग जा कर के जाँच करेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे विभाग इस पर निर्णय लेगा कि इस पर क्या हम लोग इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। बिहार सरकार ने सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थिति में सुधार के लिए कई तरह की नई व्यवस्थाएं चालू की हैं। नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर यदि निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित सेविका से जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन इस नई व्यवस्था का भी मंत्री जी और अधिकारियों की टीम के सरप्राइज विजिट से कलई खुल गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।